जय हिंद। लोकल लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। आंकड़ों की बाजीगरी क्या होती है, अगर ये जानना हो तो आपको गाजियाबाद के मुरादनगर में जाना पड़ेगा। दरअसल आंकड़ों के हिसाब से सफाई के मामले में मुरादनगर का ये जो कस्बा है वो नंबर वन है। लेकिन आलम यह है कि यहाँ सीवरेज नहीं है, नालियाँ नहीं हैं जिससे पानी निकल सकें, सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब ऐसे में जिला प्रशासन की जो कारगुजारी है वो सबके सामने है और आप समझ सकते हैं कि कैसे नेतागढ़ जो हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पुराने जो ईंट थी उन पे ही चिपकाया हुआ, जो नाली में कोई ईंट नई नई लगी है। पूरा कम से कम 20 दिन तक ऐसे पड़ रहा था। कोई सुनवाई है ना कोई बूझने वाला, ना कोई से देखने वाला। यहाँ वहाँ खरंजा बनना चाहिए, वहाँ का बन नहीं रहा है और जो सही है उसे पाड़ पाड़ गए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद वो जिला है। इस जिले की अहमियत राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बेहद अहम है। लेकिन गाजियाबाद में एक भारी भरकम आबादी है जो हर रोज मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान रहती है। इनकी आवाज कोई सुन ले तो बड़ी बात है। लोकल लोकल न्यूज की टीम गाजियाबाद के कई क्षेत्रों में समस्याएं जानने के लिए जायजा ले रही है। इसी कड़ी में लोकल लोकल न्यूज की टीम मुरादनगर पहुंची, जहां पर गलियों से लेकर चौराहों तक का हाल बेहाल है। सबसे पहले आपको मुरादनगर के एक कॉलोनी में लेकर चलते हैं, जहां ठेकेदारों ने हद कर दी है। जो नालियां ठीक थीं उसे तोड़ दी गईं और आप वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उखाड़ के देख लो तुम इसे, ये उसके ऊपर सिर्फ प्लास्टर करा है। क्या बताए? पुरानी नाली तो उससे प्लास्टर करा जी, ऊपर ऊपर प्लास्टर कर दिया जी। आपने भी ये बताया जी, आपने देखा यही रहते हैं पुरानी? हम यही के रहने वाले हैं, यही मकान है हमारा। पुराने जो ईंट थी उन पे ही चिपकाया हुआ, जो नाली में कोई ईंट नई नई लगी है। और ये जो खरंजा उपड़ रहा है ये इसलिए उपड़ रहा है, अब इस पर दोबारा रंगीन ईंट लगेंगी। वो तो हमने हदसे जो है आगे को भैया इसका इंतजाम जब होएगा, जब तुम इसे पहले जो है दूसरी ईंट लेके आओ, तो वे हद तक जो है जो भी 1500 ईंट थी वे हदसे उपाड़ के ट्रैक्टर में भर के गैला गैल ले गए। तो आपने यहाँ पर इस गली में एक विकास का एक नमूना देखा है। आप देख सकते हैं कि जो नाली है, नाली पूरी तरह से सही बनी हुई थी, इसका पूरा एक ऊपर का रद्दा लगाया गया है बताया जा रहा है, और इसमें ऊपर प्लास्टर कर दिया गया है। और जबकि मेरे हिसाब से जिस तरह से ये दर्शाई गई है, निश्चित तौर पर पूरा पेमेंट इसका वसूला जाएगा। और जहां पर जरूरत है नाली खरंजे की, वहां पर पूरी तरह से बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं, वहां पर अभी किसी का कोई ध्यान नहीं है। गलियों का हाल तो आपके सामने है, अब गलियों से निकलकर चौक चौराहों पर चलते हैं। सड़क किनारे जो लोग व्यापार करते हैं उनकी समस्या क्या है ये जानना भी जरूरी है। मुरादनगर के लोगों की माने तो साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, और ये सच भी है। सड़कों का कूड़ा करकट देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि मुरादनगर को गाजियाबाद में सफाई के मामले में अव्वल होने का दर्जा है, लेकिन सच का ये पर्दा है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हर वक्त अर्थव्यवस्था यहाँ की बेकार है, कभी सफाई नहीं होती, नाली खड़ंजे सब बेकार ही रहते हैं। यहाँ नाला बना हुआ देखे आप किस तरह से, ये सारा दिन गंदे रहता है, पानी भी नहीं चलता, हर वक्त कभी ऊपर आ जाता है, डाली डाल रखी, पत्थर लगा रखे हमने, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं होती। अगर सफाई भी हो जाती है किसी दिन इसमें नाले में, तो कूड़ा कम से कम 20 दिन तक ऐसे पड़ रहता है। उनको जब ये सूख जाएगा, जब लेके जाएंगे, इसको नहीं ले जाते और यहीं फैलाना पड़ता हमें। वहीं जब मुरादनगर के सड़कों पर नजर गई तो स्थिति हद से ज्यादा खराब थी। जो लोग आए दिन इन सड़कों पर सफर करते हैं उनकी माने तो सड़कें ऐसी हो गई हैं जिस पर चलने से डर लगता है, हादसे कभी भी हो सकते हैं। सुनील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं लोकल की बात वोकल के साथ। मैं इस समय गाजियाबाद के मुरादनगर के कस्बा क्षेत्र में हूं और यहां पर हम जानने के लिए आए हैं लोगों की परेशानियां, लोगों के मुद्दे क्या है उनके मुद्दे। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। समस्या ये है जी, इसे एक साल होगा इसे गोल चक्कर को बनते हुए, ये पूरा नहीं हो रहा। यहाँ हाथ से इतना रास्ता नहीं निकलना बढ़ना, दिक्कत इतनी है, मेन होल खुला हुआ है, किसी की बाइक पर गिर जाओ। एक ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये बहुत गलत लगा हुआ, वार्ड नहीं है कुछ भी, ना कोई सुनवाई है, ना कोई बूझने वाला, ना कोई इसे देखने वाला। यहाँ क्या आपने इसकी शिकायत किसी स्थानीय नेता से की है? किसी शिकायत नहीं की जी किसी भी नेता से, ना कोई नेता सुनता है और ना किसी से करी।
हम किस नेता से करें, हम ना किसी से, हम तो यहाँ पे ये रहने वाले हैं जी, ना ना किसी नेता से, वो वोटों के टाइम पे नेता दिखाई देते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। इनका कहना है कि सिर्फ मतदान नजदीक आते के साथ ही, जैसे चुनाव नजदीक आते तो नेता इनके बीच आते हैं, अन्यथा नेता इनके नेताओं का इनसे कोई सरोकार नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे और चलते हैं। मुरादनगर में कस्बा चौराहे पर करीब एक साल से गंदे नाले की पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर गोल चक्कर बनना है, लेकिन एक साल का काम देखकर ये कहना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर ठेकेदारों की सिर्फ मर्जी चलती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुरादनगर के बंबा चौराहे पर, जो कि व्यस्त चौराहा है। ये पिछले एक साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, और हालांकि लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड लगाया हुआ है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्य प्रगति पर है। विकास प्राधिकरण ने इतना तो जहमत जरूर उठाई है कि एक बोर्ड लगा दिया है लोगों को सचेत करने के लिए कि यहां पर कार्य जारी है, लेकिन कार्य किस तरह से चल रहा है वो आपको खुद बयां कर रहा है। ये गोल चक्कर बनाया जा रहा है, छोटा सा गोल चक्कर है, लेकिन एक साल इसको हो चुका है, अभी तक भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि यहां पर जो स्थानीय नेता है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हैं। लोगों का कहना है कि यहां जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय नेताओं से और पालिका के अध्यक्ष से भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। ये पुलिया बन गई है, लेंटर इस पर डल गया है, लेकिन मलबा इस पर बरकरार पड़ा हुआ है, और विद्युत विभाग की लापरवाही देखिए सामने साफ नजर आ रही है। खुले में ट्रांसफार्मर चौराहे पर रखा हुआ है, और यहां के जो तार है जर्जर हालत में है, यहां कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन यहां पर इसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह अगर गाजियाबाद के विकास के नाम पर काम हो रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बाकी जिलों का क्या हाल होगा। गाजियाबाद से लोकल वोकल न्यूज के लिए तेजस चौहान और सुनील शर्मा की रिपोर्ट।